नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेट में बात हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज की ही होती रही है, लेकिन उस पिच की बात कोई नहीं करता जिस पर यह जंग लड़ी जाती है। लेकिन कभी कभी यह पिच अपना ऐसा रूप दिखा देती है जिसे देखकर बल्लेबाजों को पसीने आ जाते हैं। विश्व क्रिकेट में आपको ऐसे कई मैच मिल जाएंगे जब पिच के तेज होने या फिर पिच पर स्पिनरों को मदद मिलने की वजह से पूरी टीम कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई। विश्व क्रिकेट में आपको कई ऐसे मैच मिल जाएंगे जब पिच के तेज होने या फिर पिच पर स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने की वजह से पूरी टीम कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई हो। तब पता चलता है कि हाँ भाई, क्रिकेट में पिच ही भगवान है। एक ऐसा ही वाकया हाल ही में एक रणजी मैच में भी हुआ, जब एक ही दिन में विकेटों की झड़ी लग गई। हरियाणा और उत्तराखंड के बीच सोमवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी का एक मुकाबला हुआ। मुकाबला ऐसा था कि मैदान पर विकेटों का पतझड़ देखने को मिला, जहां मैच में पहले उत्तराखंड के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन हरियाणा के गेंदबाजों ने उन पर ऐसा कहर बरपाया कि उत्तराखंड की पहली पारी 109 रनों पर ही सिमट गई। उत्तराखंड का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला उल्टा साबित हो गया और टीम ने 5 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। टीम के शुरुआती 3 बल्लेबाज उन्मुख चंद, हर्षित बिष्ट और सौरव रावत खाता खोलने में भी नाकाम रहे। विजय जेठी ने 20 रन बनाए, उत्तराखंड के सर्वोच्च स्कोरर वो रहे, जबकि कप्तान तन्मय श्रीवास्तव और हरमन सिंह ने 19-19 रन का योगदान दिया। हरियाणा के लिए तीनों कुंडू ने सबसे ज्यादा 3, जबकि हर्षल पटेल, अजीत चहल और सुमित कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। लेकिन उत्तराखंड को समेटने के बाद जब हरियाणा की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई तो उनका हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के गेंदबाजों ने भी बदला लेते हुए हरियाणा के 50 रन पर 5 विकेट गिरा दिए। टीम के 10 रन से पहले ही 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, जबकि 26 रन पर 5वां विकेट झटका गया। अग्रिम तिवारी ने उत्तराखंड के लिए 4, जबकि प्रदीप चमोली ने 1 विकेट हासिल किया। तो इस कहर बरपाती गेंदबाजी के लिए आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, ये गेंदबाजों का करिश्मा था या फिर पिच का?